और एक बड़ी खबर है ओडिशा में रूस के इस्कंदर मिसाइल से हमले हुए हैं और यूक्रेन के दो पैट्रियट सिस्टम नष्ट हुए, एक रडार स्टेशन भी रूसी हमले में तबाह हुआ। और क्रीमिया सहित रूसी धरती पर यूक्रेन ATA, CMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले कर रहा है। यूक्रेन के लिए ये मिसाइल बहुत कारगर साबित हुई है, लेकिन अब रूस ने इन मिसाइलों का तोड़ ढूंढ लिया है। रूस ने बीते हफ्ते यूक्रेन की तरफ एक ATCMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। इनका वॉरहेड कैसेट कंट्रोल सिस्टम रूसी मिसाइल फोर्सेस की इंजीनियर विंग को सौंपा गया। एक हफ्ते की रिसर्च के बाद रूस के एयर स्पेस मिसाइल इंजीनियर्स ने इस मिसाइलों के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। देखिए ATA, CMS और स्टॉर्म शैडो के खिलाफ रूस का प्लान क्या है और कैसे ये युद्ध गेम चेंजर बनने वाला। मई और जून के महीने में क्रीमिया पर जितने भी बड़े हमले हुए उनके पीछे थी यूक्रेन की अटैक MS रणनीति। तेईस जून को यूक्रेन ने क्रीमिया पर सबसे बड़े हमले किए। रविवार का दिन था और जिस वक्त दागिस्तान के दो शहरों में आतंकी गोलियां बरसाकर नरसंहार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त क्रीमिया के सागर तट पर यूक्रेन को अमेरिका से मिली अटैक MS मिसाइलें बरस रही थी। ये तस्वीरें क्रीमिया के सेवेस्टोपोल बीच की है। 23 जून को रविवार के दिन आम नागरिक सेवेस्टोपोल बीच पर मौजूद थे और तभी अटैक MS मिसाइल से क्लस्टर बम बरसने शुरू हो गए। तेईस जून को यूक्रेन की तरफ से दागी गई अटैक MS मिसाइलों ने क्रीमिया को दहला दिया। क्रीमिया में 5 लोग मारे गए और 153 लोग यूक्रेन के क्लस्टर बमों से घायल। यूक्रेन की मिसाइलें क्रीमिया के सेवेस्टोपोल में आबादी वाले इलाके में गिरी और कई रिहायशी इमारतें नष्ट हो गई। आसपास की इमारतों में आग लग गई। क्रीमिया के सेवेस्टोपोल पर अटैक MS मिसाइल से हमले किए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में US के अटैक MS मिसाइल स्पेशलिस्ट मौजूद। अमेरिका के इन्हीं विशेषज्ञों ने क्रीमिया पर हमले के लिए मिसाइलें प्रोग्राम की। हमलों से पहले RQ-4 ग्लोबल हॉक से क्रीमिया की रेकी की गई और अमेरिकी सैटेलाइट से मिसाइलें प्रोग्राम की गई। अमेरिका की रेकी के बाद ही अटैक MS मिसाइल से हमले किए गए। जून से पहले सितंबर 2023 में भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक MS मिसाइलों से हमले किए। अटैक MS मिसाइल हमले की वजह से ही क्रीमिया में रूसी ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर तबाह हुआ और इस हमले में रूसी सेना के 30 से ज्यादा अधिकारी मारे गए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की अटैक MS बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। अटैक MS मिसाइलों के खिलाफ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का स्ट्राइक रेट 82.9% रहा। यूक्रेन ने रूस के S-300, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसी मिसाइल से नष्ट किए। रूस के सामने चुनौती है कि वो कैसे इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब हो। अब रूस को इस मिसाइल का वेपन और गाइडेंस सिस्टम पता चल चुका है। ये अटैक MS मिसाइल का वेपन ट्रिगर सिस्टम है जिसे रूस ने क्रीमिया में मिसाइल इंटरसेप्ट करके हासिल किया था और अब इस पर रिसर्च के बाद मिसाइल का सीक्रेट डिजाइन डिकोड हो चुका है। और यह अटैक MS मिसाइल का डिजाइन है। मिसाइल के टिप पर उसका गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम होता है। इसी सिस्टम से मिसाइल में टारगेट का प्रोग्राम फीड किया जाता है। इसके बाद वॉरहेड असेंबल किया जाने वाला चैम्बर होता है। वॉरहेड के बाद प्रोपल्शन सिस्टम यानी इंजन लगाया जाता है और सबसे पीछे मिसाइल का कंट्रोल सेक्शन होता है जिससे मिसाइल का
फ्लाइट पाथ बदला जा सकता है। मिसाइल की ऊपरी सतह से सटा हुआ एक जीपीएस एंटीना लगा होता है। मिसाइल के अंदर क्लस्टर बम भरे हुए होते हैं। बम रखने वाले सेक्शन को वॉरहेड कैसेट कहा जाता है। अटैक एमएस मिसाइल में कुल 275 M74 क्लस्टर बॉम्बलेट्स भरे जा सकते हैं। रूस के इंजीनियर्स को रिसर्च में पता चला है कि मिसाइल का वॉरहेड कैसेट 200 मीटर ऊपर खुलता है। इसके बाद जब मिसाइल टारगेट के 175 मीटर ऊपर होती है तब इसके क्लस्टर बम डेटोनेट होने शुरू हो जाते हैं। मिसाइल से बरसने वाले क्लस्टर बमों के 400 वर्ग मीटर इलाके में तबाही मचाने का दावा किया जाता है। हर क्लस्टर बम एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर गिरता है और जोरदार विस्फोट होता है। रूस के इंजीनियर्स ने सुझाव दिया है कि वॉरहेड कैसेट खुलते ही इस मिसाइल को टारगेट से 200 मीटर ऊपर इंटरसेप्ट करना आसान होगा, नुकसान से बचा जा सकता है। एमएस मिसाइल यूक्रेन का सबसे कारगर हथियार है और यूक्रेन इससे रूस की धरती पर बड़े हमले करने की योजना बना रहा है। यूक्रेन का प्लान है कि इस मिसाइल से पश्चिमी रूस के सैन्य बेस और एयरबेस पर हमले किए जाएं। अमेरिका की इन मिसाइलों की रेंज में पश्चिमी रूस के 84% सैन्य बेस आ चुके हैं। अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों की रेंज में रोस्तोव के 8 एयरबेस आते हैं और 30 से ज्यादा सैन्य बेस आते हैं। इसी तरह वोरोनिश के 4 एयरबेस और 21 सैन्य बेस आते हैं। बेलगोरोद के 6 सैन्य बेस भी इस मिसाइल की जद में है। कुर्स्क का एक एयरबेस और 16 सैन्य बेस पर अटैक एमएस से हमला किया जा सकता है। ब्रियांस के 3 एयरबेस और 27 सैन्य बेस भी अटैक एमएस की रेंज में आते हैं। अमेरिका की इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन रूस के इन सैन्य बेस और एयरबेस पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमले करना चाहता है, वो भी क्लस्टर म्यूनिशंस के साथ, ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके। यूक्रेन के इस प्लान से ठीक पहले रूस ने मिसाइल का डिजाइन वॉरहेड सिस्टम और डेटोनेशन सिस्टम के साथ साथ फ्लाइट पाथ के बारे में भी जानकारी जुटा ली और अब वो यूक्रेन के मिसाइल हमले नाकाम कर सकता है। लेकिन सिर्फ अटैक एमएस ही नहीं, रूस ने स्टॉर्म शैडो से मिसाइल की काट तलाश ली। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल का वॉरहेड शेल है जो रूस की लैब में पहुंच चुका है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे मुख्य हथियार का भी तोड़ निकाल लिया है और पुतिन की इंजीनियर ब्रिगेड युद्ध में यूक्रेन के मुख्य हथियारों को नाकाम करके गेम चेंज करने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।